अब जानते हैं कि शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लोहे का छल्ला क्यों कारगर होता है, क्यों इसको पहनने से लाभ होता है। देखिए, शनिदेव का जो आधिपत्य है, शनिदेव का जो कंट्रोल है, वो लौह धातु पर है, लोहे पर है। इसलिए लोहे का छल्ला शनि देव की शक्तियों को नियंत्रित करने के काम आता है। लेकिन ये छल्ला सामान्य लोहे का बना हुआ नहीं होता, ये घोड़े की नाल या नाव की कील का बना हुआ छल्ला होता है। घोड़े के पैरों में जो लोहे की नाल होती है वो घिस जाती है चलते चलते, उसका छल्ला बनता है। या नाव की जो कील बार बार लहरों से टकराती है उसका छल्ला बनता है, क्योंकि घोड़े के पैरों में लगी हुई नाल जब बार बार जमीन से टकराती है, घिसती है, तो उसके अंदर चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है, एक मैग्नेटिक असर आ जाता है। उसी तरह से नाव की कील जब पानी से लहर से बार बार टकराती है तो उसके अंदर एक चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है। इसलिए इसका बना हुआ छल्ला शनि की पीड़ा को काफी हद तक कम कर देता है। तो घोड़े की नाल की एक अंगूठी बनती है, छल्ला बनता है, या नाव की कील की अंगूठी बनती है। लेकिन याद रखिए, जब भी आप इसकी अंगूठी बनवाएंगे, इसे काट करके पीट करके बनवाएंगे, आग में नहीं तपाएंगे, क्योंकि आग में तपाने से इसका जो मैग्नेटिक गुण है, जो चुंबकीय प्रभाव है, वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो केवल पीट पीट कर, काट काट कर कठिनाई से इसकी अंगूठी बनती है, लेकिन वो अंगूठी बड़ी प्रभावशाली होती है और उस अंगूठी को पहनने से शनि की पीड़ा से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मुकदमों में सफलता मिलेगी, नए काम का अवसर मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कर्जों से इस समय आपको मुक्ति मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये आपने समझ लिया कि लोहे का छल्ला क्यों शनि की पीड़ा को कम कर देता है, और शनि की पीड़ा को कम करने के लिए लोहे का छल्ला घोड़े की नाल का या नाव की कील का ही बना हुआ क्यों होना चाहिए। अब ये जानते हैं कि शनि की पीड़ा को कम करने के लिए
और शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए लोहे का छल्ला कैसे पहनना चाहिए? घोड़े की नाल या नाव की कील की बनी हुई अंगूठी शनिवार के अलावा किसी भी दिन अपने घर में ले आइए। इसको शनिवार को सुबह एक कटोरी में सरसों का तेल डालिए और उसमें लोहे के छल्ले को डुबो करके रख दीजिए। शाम को इसे निकाल करके जल से धो करके शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद इस छल्ले को अपने सामने रख करके ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद प्रभु का नाम लेकर के इसे राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण कर लीजिए। इसको आप पहने रहेंगे तो शनि देव की पीड़ा का असर लगभग समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप साथ में ये भी याद रखिए कि इसको पहनने के बाद आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। शनि देव की अभिमंत्रित अंगूठी पहनने के बाद अगर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो इसको पहनने से आपको नुकसान होगा।